एमएस एक्सेल के आज के अध्याय में हम सीखेंगे डेबुक रिपोर्ट तैयार करना। डेबुक जिसमें जमा और खर्च का क्रमवार विवरण होता है, पैसा किस मद में आया और किस मद में खर्च हुआ, इसका पूरा लेखा जोखा होता है। यहाँ एक्सेल में हमने एक डेबुक तैयार की है जिसमें हमने तीन शीट ली हैं। पहली रिसिप्ट के लिए जिसमें प्राप्त किए गए पैसों का विवरण होगा। दूसरी शीट ली हमने पेमेंट के लिए, यहाँ पर जो पैसा पे किया गया है उसका विवरण होगा। और ये तीसरी शीट है डेबुक के लिए, यहाँ पर पूरे एक साल की डेबुक होगी। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए ये डेबुक बनाई गई है। यहाँ पर जो पैसा आपने प्राप्त किया और जो पैसा आपने पे किया दोनों का डेट वाइज टोटल होगा और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये क्लोजिंग बैलेंस अगले दिन के रिसीव अमाउंट में ऐड हो जाएगा। पेमेंट वाली शीट पर चलते हैं। यहां से आपको एंट्री करना है। जैसे ही आप डेट एंटर करेंगे तो सीरियल नंबर और डे ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक एंट्री कर लेते हैं, यहां पर 2 अप्रैल ले लेंगे डेट। ये देखिए, जैसे ही हमने डेट एंटर किया तो सीरियल नंबर और डे ऑटोमेटिक आ गया है। यहां पर्टिकुलर्स दे देंगे, गोडाउन रेंट प्राप्त किया, किस मोड में प्राप्त किया, उसकी हमने यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं चेक और यहाँ अमाउंट दे देंगे 1000 और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे गोडाउन रेंट रिसीव्ड। यहाँ ऊपर आप देखेंगे जिस मोड में भी जितना पैसा आपने प्राप्त किया है उसकी समरी तैयार होती जाएगी। जैसे RTGS में पैसा प्राप्त किया है 10,000, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और कैश में 2000 और चेक में 1000। पेमेंट वाली शीट पर चलते हैं। यहां पर भी इसी तरह का फॉर्मेट तैयार किया गया है। एक एंट्री करेंगे, यहां पर भी 2 अप्रैल ले लेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने डेट को एंटर किया तो सीरियल नंबर और डे ऑटोमेटिक आ गए हैं। यहां पर्टिकुलर्स देंगे, किस चीज का आपने पैसा पे किया। यहां मोड सेलेक्ट कर देंगे, किस मोड में आपने पैसा पे किया, कैश में, कार्ड में, RTGS में या चेक में। कार्ड सेलेक्ट कर देंगे, यहां अमाउंट टाइप कर देंगे और यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसी तरह से यहां पर भी समरी तैयार होती जाएगी, किस मोड में कितना पैसा प्राप्त किया। डेबुक वाली शीट पर चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे डेट वाइज रिसीव अमाउंट और पेड अमाउंट का टोटल होते जाएगा। जैसे 1 तारीख को हमने प्राप्त किया 12,000 और पे किया 5,000, तो उस दिन बैलेंस रहा 7,000 और ये 7,000 अगले दिन के रिसीव अमाउंट में एड हो गया है, तो यहां टोटल हो गया 8,000 और फिर से 1,000 रुपये माइनस हो गया, तो अगले दिन क्लोजिंग बैलेंस रहा 7,000। यहां पर आप डेट एंटर करके किसी भी डेट का स्टेटस जान सकते हैं। जैसे हम यहां डेट चेंज करेंगे, यहां कर देंगे हम 2 अप्रैल एंटर करेंगे। देखिए, जैसे ही हमने यहां पर डेट को चेंज किया तो ये रिसीव अमाउंट और पेमेंट अमाउंट और क्लोजिंग बैलेंस उसी डेट का आ गया है। आप यहां से चेक कर सकते हैं, 2 अप्रैल को रिसीव अमाउंट था 1000, पेमेंट अमाउंट 1000 और क्लोजिंग बैलेंस रहा 7000। तो आइए सीखते हैं एक्सेल में इस डेबुक को डिजाइन करना। यहां हम पहली शीट को रीनेम करेंगे रिसीप्ट, एक और शीट लेंगे इसको रीनेम करेंगे हम पेमेंट, तीसरी शीट लेंगे इसको रीनेम करेंगे हम डेबुक। सबसे पहले रिसिप्ट वाली शीट को लेंगे और यहां से ये 10th रो में फॉर्मेट डिजाइन करेंगे। सबसे पहले टाइप करेंगे सीरियल नंबर, डे, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट मोड, और यहां पर लिखेंगे पेमेंट, और यहां पर लिखेंगे अमाउंट और डिस्क्रिप्शन, और यहां से 3 रो को सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करके एक्सेल टेबल इंसर्ट कर देंगे। यहां इस पर माय टेबल हैज हेडर्स पर टिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए, इस फॉर्मेट में एक्सेल टेबल इंसर्ट हो गया है। कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके फिल्टर को हटा देंगे। यहां से डिजाइन पर जाकर यहां से टेबल स्टाइल को क्लियर कर देंगे। अब यहां पर
टेबल तो होगा इस फॉर्मेट में, लेकिन टेबल जो स्टाइल है वो हट जाएगा। हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करेंगे, फिल पर जाएंगे, फिल इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ से इसको इफेक्ट दे देंगे। यहाँ पर हम ऊपर लेंगे डार्क कलर और नीचे इसी का लाइट कलर लेंगे। देखिए इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। ओके करेंगे यहाँ से, यहाँ भी ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर इफेक्ट आ गया है। सभी को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड कर देंगे और सेलेक्ट करके सभी को होम पर जाकर ऑल बॉर्डर्स दे देंगे। सेंटर कर देंगे, कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसको डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम को भी बड़ा कर देंगे, पर्टिकुलर्स को भी बड़ा कर देंगे इस तरह से। यहाँ सीरियल नंबर को ऑटोमेटिक करने के लिए हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, इफ टाइप करेंगे, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट ये है हमारा कि यदि ये सेल ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए। ब्लैंक के लिए हम यहाँ डबल कोटेशन मार्क को लगाएंगे दो बार, कॉमा, फिर से डबल कोट दो बार, कॉमा। अब यहाँ पर रो फंक्शन लगा देंगे, इसके अंदर लिखेंगे 1:1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इफ फंक्शन वाले ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। एंटर प्रेस किया हमने, देखिए ब्लैंक आ गया है। अब जब यहाँ पर कुछ भी लिखा जाएगा तो यहाँ वन आ जाएगा। यहाँ कुछ भी लिखेंगे हम, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए वन आ गया है। डिलीट किया हमने तो वहां से हट गया है। इसी तरह हम यहाँ डे को ऑटोमेटिक करने के लिए इफ फंक्शन लगाएंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, इफ टाइप करेंगे, लॉजिकल टेस्ट है यदि ये डेट वाली सेल इक्वल हो ब्लैंक के, डबल कोटेशन दो बार, कॉमा, तो ब्लैंक आए, फिर से डबल कोट, कॉमा, अन्यथा यहां पर टेक्स्ट का फॉर्मूला लग जाए डे के लिए, तो टेक्स्ट टाइप करेंगे, यहां से फॉर्मूला को ले लेंगे और वैल्यू के लिए हम ये डेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। डेट वाली सेल है D11, तो यहां पर D11 टाइप कर देंगे, कॉमा लगा देंगे और यहां डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे 3 times D, डबल कोटेशन D D D, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इफ फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए जैसे ही यहां पर डेट आएगी तो डे और सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहां पर डेट डालते हैं हम 1/4/20, यानी 1/4/2020। ये देखिए जैसे ही हमने डेट यहां पर एंटर किया तो सीरियल नंबर और डे ऑटोमेटिक आ गए। ये एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर पर्टिकुलर्स देंगे, यहां पर मान लीजिए हम लिखते हैं बिल्डिंग, रेंट प्राप्त किया। रिसिप्ट मोड में हम यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे जिस जिस मोड में भी हम पैसा प्राप्त करते हैं। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा पर जाएंगे और यहां डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे, यहां अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट पर हम वीडियो बना चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहां सोर्स में टाइप करेंगे जो भी आपके मोड है। हम यहां लिखेंगे कैश, कॉमा, स्पेस, कार्ड, कॉमा, स्पेस, RTGS, कॉमा, स्पेस, चेक और यहां से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहां पर आपके पेमेंट मोड्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैश और यहां पर भी ये ड्रॉप डाउन आ गई है। यहां टाइप कर देंगे अमाउंट और यहां टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन। इसी तरह से अब आप आगे एंट्री करते जाएंगे। एक और एंट्री कर लेंगे हम यहां पर सेम डेट में। ये देखिए जैसे ही हमने डेट एंटर किया तो सीरियल नंबर और डे ऑटोमेटिक आ गए हैं। पर्टिकुलर्स डालेंगे, लोन, यहां से पैसा किस मोड में प्राप्त किया वो सिलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट टाइप करेंगे और यहां डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और यहां लिखेंगे समरी। सेल को भी मर्ज करेंगे, इसको भी मर्ज करेंगे, यहां लिखेंगे रिसीप्ट मोड और यहां लिखेंगे अमाउंट। यहां जो भी मोड है वो टाइप कर देंगे, कैश, कार्ड, RTGS, चेक और यहां टाइप करेंगे टोटल। और यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे समिफ फंक्शन का। समिफ फंक्शन पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इक्वल प्रेस करेंगे,
सम इफ टाइप करेंगे, यहां से सम इफ को सिलेक्ट कर लेंगे और पहला ऑप्शन है रेंज। रेंज के लिए ये रिसिप्ट मोड वाली सेल्स को सिलेक्ट कर देंगे और कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे और कॉमा लगा देंगे। लास्ट ऑप्शन है सम रेंज। सम रेंज के लिए हम ये अमाउंट वाली सेल्स को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए कैश में पैसा प्राप्त किया 10,000। इसको यहां से ड्रैग करके नीचे तक कर देंगे और सेंटर कर देंगे। यहां पर टोटल के लिए हम सम फंक्शन लगा देंगे, ऑल्ट को प्रेस करके इक्वल प्रेस कर देंगे तो सम फंक्शन लग जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर टोटल आ गया है। फॉर्मेट कर देंगे थोड़ा, इसको ब्लू कलर दे दिया है, फॉन्ट कलर कर देंगे व्हाइट, कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड कर देंगे। सेम इसी तरह इसको करेंगे, फॉन्ट कलर व्हाइट, कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड कर देंगे। इसको भी कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड कर देंगे। अब यहां से इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पर जाएंगे, फिल इफेक्ट पर जाएंगे और यहां पर पहले ये डार्क कलर सेलेक्ट करेंगे और नीचे इसी कलर का लाइट कलर सेलेक्ट करेंगे। यहां से ओके करेंगे, यहां भी ओके कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह का इफेक्ट यहां पर आ जाएगा। और यहां पर टाइप करेंगे रिसीप्ट, फॉर्मेट करेंगे इसको, फॉन्ट साइज बिगर करेंगे, सेंटर कर देंगे और यहां से फॉन्ट चेंज कर देंगे, फॉन्ट का कलर चेंज कर देंगे यहां से। अब इंसर्ट पर जाएंगे, यहां से एक ये रेक्टेंगल शेप इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें टाइप करेंगे अप्रैल 2020 टू मार्च 2021। कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड कर देंगे टेक्स्ट को, होम पर जाकर सेंटर कर देंगे और फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, सेंटर कर देंगे इसको। यहां इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, फिल पर जाएंगे और यहां से ये कलर ले लेंगे। इन सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे, यहां भी सेम कलर लेंगे, इसके अंदर भी सेम कलर लेंगे और यहां पर भी सेम कलर लेंगे। व्यू पर जाकर ग्रिड लाइंस को हटा देंगे। ये देखिए रिसीव अमाउंट के लिए फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब इसी फॉर्मेट को हम इस्तेमाल करेंगे पेमेंट के लिए। तो उसके लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे कॉर्नर पर, इससे क्या होगा पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल सी द्वारा कॉपी कर लेंगे और यहां पेमेंट वाली शीट पर जाएंगे और यहां फर्स्ट सेल में क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए यहां पर पेमेंट वाली शीट पर भी सेम फॉर्मेट आ गया है। ग्रिड लाइंस हटा देंगे यहां से भी, व्यू पर जाकर ये एंट्रीज को यहां से डिलीट कर देंगे। रिसिप्ट की जगह यहां पर टाइप कर देंगे पेमेंट और यहां रिसिप्ट मोड की जगह टाइप करेंगे पेमेंट मोड, यहां पर भी टाइप करेंगे पेमेंट। अब ये फॉर्मेट पेमेंट के लिए तैयार हो गया है। एंट्री कर लेते हैं यहां पर सेम डेट में 1/4/2020। यहां पर टाइप करेंगे व्हीकल रेंट, पर्टिकुलर टाइप कर देंगे, पेमेंट मोड यहां से सिलेक्ट कर देंगे, अमाउंट लिखेंगे और यहां डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे। ये देखिए इसकी समरी यहां पर आ गई है। एक और एंट्री करेंगे ड्रॉल एक्सपेंसेस, मोड टाइप कर देंगे कैश, अमाउंट लिखेंगे 1000, डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे। ये देखिए यहां पर समरी तैयार होती जा रही है। अब हम फॉर्मेट तैयार करेंगे डे बुक के लिए। तो डे बुक वाली शीट पर चलेंगे, यहां भी 10th रो को लेंगे और यहां टाइप करेंगे सीरियल नंबर, डेट, डे, रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस। सेलेक्ट करेंगे हेडर को, कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पर जाएंगे, फिल पर जाएंगे यहां से इफेक्ट देने के लिए और फिर फिल इफेक्ट्स पर। यहां पर कोई डार्क कलर लेंगे ब्लू का और नीचे लाइट कलर लेंगे, ओके करेंगे, यहां से ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह का इफेक्ट यहां पर आ जाएगा। क्योंकि हम ये डेबुक तैयार कर रहे हैं पूरे एक साल के लिए, तो यहां सीरियल नंबर में 1 टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस सेल को, फिल पर जाएंगे, सीरीज पर क्लिक करेंगे
कॉलम्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप कर देंगे 365। ओके करेंगे। ये देखिए ये सीरियल नंबर 365 तक फिल हो गए हैं। कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करके देखेंगे तो ये लास्ट में 365 है। कंट्रोल अप बटन प्रेस करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से यहां पर डेट टाइप करेंगे तो हम डेट लेंगे पहली 1 अप्रैल 2020 और यहां पर डबल क्लिक कर देंगे कॉर्नर पर तो ये डेट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी लास्ट तक 31/3/2021 तक डेट फिल हो गई है। कंट्रोल अप एरो प्रेस करके ऊपर आ जाएंगे। अब यहां पर डे के लिए हम एक फॉर्मूला लगा देंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, वैल्यू के लिए डेट वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन के अंदर 3 times डी टाइप करेंगे, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए डे यहां पर आ गया है। ये कॉर्नर पर इसी तरह से डबल क्लिक कर देंगे तो लास्ट तक डे फिल हो जाएंगे। यहां तक सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करके सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। बॉर्डर्स पर जाएंगे, यहां से ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, यहां सेंटर कर देंगे। अब यहां रिसीप्ट अमाउंट का टोटल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सम इफ फंक्शन का। इक्वल प्रेस करेंगे, सम इफ टाइप करेंगे। देखिए सम इफ फंक्शन यहां पर आ गया है। डबल क्लिक कर देंगे रेंज के लिए, क्योंकि अभी हमें रिसीप्ट अमाउंट का टोटल करना है तो हम रिसीप्ट वाली शीट पर जाएंगे और रेंज के लिए डेट वाली सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे। यहां देखिए कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए हम वापस डे बुक पर जाएंगे और ये डेट वाली सेल को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। लास्ट ऑप्शन है सम रेंज। इसके लिए वापस हम रिसीप्ट वाली शीट पर जाएंगे और ये अमाउंट वाली सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहां पर 1 तारीख को जो भी पेमेंट प्राप्त हुआ है उसका टोटल आ गया है। यहां आप रिसीप्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए 1 तारीख को 12,000 रुपए रिसीव हुआ है। यहां कॉर्नर पर डबल क्लिक करके फॉर्मूला को ड्रैग कर देंगे नीचे तक। देखिए फॉर्मूला लास्ट तक आ जाएगा। इसी तरह से हम यहां पेमेंट के लिए सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, सम इफ टाइप करेंगे। पहला ऑप्शन है रेंज। रेंज के लिए हम पेमेंट वाली शीट पर जाएंगे क्योंकि हमें पेमेंट का टोटल करना है और ये डेट वाली सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए हम वापस डे बुक वाली शीट पर जाएंगे और ये डेट वाली सेल को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। लास्ट ऑप्शन है सम रेंज। सम रेंज के लिए हम वापस पेमेंट वाली शीट पर जाएंगे और ये पेमेंट वाली सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप यहां पर देखेंगे डेट वाइज पेमेंट का टोटल आ गया है। इसको भी यहां डबल क्लिक करके सभी सेल्स में पेस्ट कर देंगे। लास्ट तक आ गया है फॉर्मूला। यहां क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम इक्वल प्रेस करेंगे, रिसीप्ट अमाउंट में से पेमेंट अमाउंट को माइनस कर देंगे, यानी जो पैसा प्राप्त हुआ उसमें से कितना पैसा पे किया, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर बैलेंस आ गया है। अब अगली सेल में हम क्या करेंगे, जो 1 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस है वो 2 तारीख का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यानी 2 तारीख के रिसीव अमाउंट में वो ऐड होना चाहिए। तो यहां इक्वल प्रेस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस वाली सीट पर क्लिक करेंगे, प्लस रिसीव अमाउंट में इसको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे इसको पेमेंट अमाउंट से, एंटर प्रेस कर देंगे। यहां पर भी इसको ड्रैग करके नीचे तक सभी सेल्स में ले जाएंगे। हम यहां डबल क्लिक कर देते हैं तो ये फॉर्मूला सभी सेल्स में चला जाएगा। यहां से इन हेडिंग्स को कॉपी कर लेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। इन सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और यहां पर लिखेंगे डेट। नीचे की सेल्स को भी मर्ज कर देंगे सिलेक्ट करके और इन सब को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। इसके ऊपर वाली सेल्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे और मर्ज कर देंगे और यहां पर लिखेंगे सर्च बाय डेट, बॉर्डर लगा देंगे, कंट्रोल बी द्वारा बोल्ड कर देंगे और यहां पर कोई कलर दे देंगे। फिल पर जाकर फॉन्ट कलर व्हाइट कर देंगे। यहां से इस सेल में भी कोई अन्य कलर दे देंगे
यहां पर डेट वाइज स्टेटस जानने के लिए हम वीलू का फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जो भी डेट यहां पर एंटर की जाएगी उसी डेट का स्टेटस यानी रिसीव अमाउंट, पेमेंट अमाउंट और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। उससे पहले हम ये डेटा शीट को यहां से सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे और पूरी डेटा शीट को सेलेक्ट कर लेंगे सीरियल नंबर को छोड़कर, और यहां पर कोई नाम दे देंगे। हम इसको नाम दे देंगे डेटा टेबल, एंटर कर देंगे। अब ये डेटा शीट का नाम हो गया है डेटा टेबल। ये देखिए जैसे हम यहां क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, वीलुकअप फॉर्मूले में जब हम डेटा टेबल को सेलेक्ट करेंगे टेबल अरे के लिए, तो हमें पूरा डेटा टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका नाम टाइप कर देंगे जो भी हमने यहां पर नाम दिया है। तो यहां हम लगाते हैं वीलुकअप फॉर्मूला। वीलुकअप फॉर्मूले पर हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इक्वल प्रेस करेंगे, वीलुकअप टाइप करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। यहां पर पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए हम ये डेट वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे और F4 प्रेस करके रेंज को फिक्स कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल अरे। टेबल अरे के लिए हमें ये डेटा टेबल पूरा सिलेक्ट करना है जहां से इंफॉर्मेशन को सर्च करना है, क्योंकि हमने इसको वहां से एक नाम दे दिया है तो हम उस नाम को यहां पर टाइप कर देंगे। हमने नाम दिया यहां पर डेटा टेबल। ये देखिए यहां पर ये डेटा जैसे आपने टाइप किया तो ये आ गया है। डबल क्लिक कर देंगे, ये देखिए पूरा डेटा टेबल सेलेक्ट हो गया है, कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी जिस कॉलम में आपकी इंफॉर्मेशन है, जिस कॉलम में से आप इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम रिसीप्ट अमाउंट देखना चाह रहे हैं तो वो है तीसरे कॉलम में 1, 2 और 3, तो हम यहां पर 3 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। यहां पर देखिए एनए आ गया है। एनए इसलिए क्योंकि यहां पर कोई डेट अभी हमने नहीं दी है। ये एरर भी शो ना हो इसके लिए हम यहां फॉर्मूले से पहले इफ एरर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इफ एरर टाइप करेंगे, देखिए फॉर्मूला आ गया है, और यहां लास्ट में कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन, फिर से डबल कोटेशन और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो आप यहां देखेंगे ये सेल ब्लैंक दिख रही है। यहां पर कोई डेट डाल लेंगे, 1/4/2020 ले लेते हैं, एंटर करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहां पर डेट डाला तो उस डेट का रिसीप्ट अमाउंट यहां पर आ गया है। अब यहां से इस फॉर्मूले को कंट्रोल सी द्वारा कॉपी कर लेंगे और आगे की दोनों सेल्स में पेस्ट कर देंगे, और यहां फॉर्मूले को विजिबल करेंगे F2 प्रेस करके, और यहां कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देंगे। टी की जगह हम यहां कर देंगे 4, जिससे पेमेंट अमाउंट आ जाए, एंटर करेंगे। तो देखिए पेमेंट अमाउंट आ गया है 3000, और क्लोजिंग बैलेंस वाले सेल्स पर सेलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे फॉर्मूला विजिबल करने के लिए, और यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर कर देंगे 5। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस भी यहां पर आ गया है, एंटर कर देंगे तीनों को सेलेक्ट करके। अब जो भी डेट आप यहां एंटर करेंगे उसी डेट का स्टेटस यानी रिसीव अमाउंट और पेमेंट अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस यहां पर दिखेगा। ऊपर वाली सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, यहां से मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पर जाएंगे, फिल पर जाएंगे, फिल इफेक्ट पर जाएंगे, यहां से ये डार्क कलर लेंगे और नीचे इसी का लाइट कलर लेंगे, ओके करेंगे, यहां से ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा, और यहां पर टाइप करेंगे डे बुक, सेंटर करेंगे इसको, कंट्रोल बी द्वारा बोल्ड करेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, फॉन्ट चेंज करेंगे, यहां से इन रोज को भी सिलेक्ट कर लेंगे और ये सेम कलर दे देंगे। व्यू पर जाकर ग्रिड लाइंस को हटा देंगे, हेडिंग्स को भी हटा देंगे। देखिए इस तरह की डे बुक तैयार हो गई है आपकी। एंट्री करके देख लेते हैं एक बार, रिसीप्ट पर जाते हैं और यहां पर एंट्री करेंगे 2/4/2020। रिसीप्ट की एंट्री कर रहे हैं हम यहां पर, हाउस रेंट प्राप्त किया, कैश में ले लेते हैं, और यहां पर अमाउंट 5000, और यहां डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। डे बुक वाली शीट पर चलते हैं, ये देखिए जो एंट्री हमने वहां पर की 5000 रुपये रिसिप्ट की वो यहां पर आ गई है।
इसी तरह से बाकी एंट्रीज भी आपको यहां पर दिखती रहेंगी। एक एंट्री पेमेंट की कर लेते हैं। यहां पर पेमेंट की एंट्री करेंगे 2/4/2020। पर्टिकुलर्स लेंगे, लोडिंग चार्जेज समझाने के लिए ले रहे हैं, आप कुछ अपने हिसाब से लीजिएगा। RTGS अमाउंट 1000 और यहां पर टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन। डेबुक वाली शीट पर चलते हैं। यहां देखिए जो हमने पेमेंट में एंटर की थी एंट्री वो यहां पर दिख गई है। इस तरह से बड़ी आसानी से आप एक्सेल में डेबुक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में डेबुक रिपोर्ट के साथ हम ये डैशबोर्ड ऐड करेंगे। यहां से यूजर रिसिप्ट और पेमेंट दोनों की एंट्री कर सकता है। अगर रिसिप्ट की एंट्री है तो रिसिप्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और पेमेंट की एंट्री है तो पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, तो जो आपका डेटा है वो रिलेवेंट शीट में जाकर सेव हो जाएगा। इन बटन्स पर क्लिक करके आप रिलेवेंट शीट में माइग्रेट कर सकते हैं। यदि पेमेंट वाली शीट पर जाना है तो यहां क्लिक करेंगे, अभी इनको हमने एक्टिवेट नहीं किया है, और यहां पर आपको डेट वाइज डेबुक का स्टेटस दिखता रहेगा, किस डेट में कितना पैसा आया, कितना पैसा पे किया और उस दिन का क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा। यहां जैसे ही आप डेट एंटर करेंगे तो आपके सामने पूरा स्टेटस आ जाएगा। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार।